टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुकी है 2007 के बाद टीम इंडिया चैंपियन बन गई है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी उठा ली है। लेकिन वर्ल्ड कप में टॉप पांच बल्लेबाज कौन कौन है, भारत के टॉप पांच में कितने बल्लेबाज हैं, टॉप पांच गेंदबाज की बात करें तो कितने गेंदबाजों ने टॉप पांच में जगह बनाई, वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल रोहित शर्मा कप्तान तो नंबर वन साबित हुए, लेकिन बल्लेबाज नंबर वन बनना शायद उनकी किस्मत में नहीं था, क्योंकि कुछ ही रनों से वो रह गए। क्योंकि पहले नंबर पे आते हैं अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज, जिन्होंने 8 मैच में 281 रन बनाए। रोहित शर्मा 8 मैच में 257 रन ही बना पाए। उम्मीद की जा रही थी कि फाइनल में एक बड़ी पारी आएगी रोहित शर्मा के बल्ले से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चौके तो लगाए लेकिन एक स्वीप शॉट लगाते हुए कैच आउट हो गए। तो 257 रन पूरे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के बल्ले से है, जहां पे 92 रन उनका सर्वाधिक रहा। इसके अलावा ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के 7 मैच में 255 रन उन्होंने बनाए। क्विंटन डीकॉक की अगर बात करें साउथ अफ्रीका के, जो फाइनल में काफ़ी खतरनाक दिख रहे थे, उन्होंने 9 मुकाबलों में 243 रन बनाए। जबकि इब्राहिम जदरान ने अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी हैं 8 मैच में 231 रन बनाए। तो रोहित शर्मा नंबर वन तो नहीं बन पाए बल्लेबाजों की लिस्ट में, लेकिन कप्तान नंबर वन रोहित शर्मा जरूर बन गए। उनके बल्ले से शतक तो देखने को नहीं मिला, लेकिन हाफ सेंचुरी आई और कुल मिलाकर 8 मैच में उन्होंने 257 रन बनाए। हो सकता था अगर एक मैच जो रद्द ना होता तो रोहित शर्मा के नाम जो है वो सबसे ज्यादा रन हो सकते थे। तो इस टॉप पांच की लिस्ट में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है, वो है रोहित शर्मा, जिन्होंने अपनी जगह बनाई है, नंबर टू पर रहे हैं। इसके अलावा अगर गेंदबाजों की बात की जाए तो यहां पर अर्शदीप और बुमराह ने टॉप फाइव में जगह तो बनाई है, लेकिन नंबर वन गेंदबाज अगर देखें तो अफगानिस्तान के फारूकी हैं, जिन्होंने 8 मैच में 17 विकेट अपने नाम किए। अर्शदीप सिंह ने 8 मैच में 17 विकेट, जसप्रीत बुमराह ने 8 मैच में 15 विकेट, और जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द सीरीज भी चुना गया, क्योंकि इनकी इकोनॉमी जो थी 4.17 के करीब की रही, और जो बेस्ट इकोनॉमी आंकी गई है। इसके अलावा एनरिक नौरकिया जो है साउथ अफ्रीका के, 9 मुकाबले में 15 विकेट। तो राशिद खान अफगानिस्तान के कप्तान, जिनकी कप्तानी तक अफगानिस्तान ने जो है सेमीफाइनल का सफर तय किया, उन्होंने 8 मैच में 14 विकेट लिए। तो यहाँ पर अर्शदीप और बुमराह का नाम आता है। बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर रोहित शर्मा का नाम आता है, वो भी नंबर दो पे। तो टीम इंडिया वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुकी है, लेकिन रोहित शर्मा कप्तान नंबर वन तो बन गए, लेकिन बल्लेबाज नंबर वन वर्ल्ड कप में नहीं बन पाए। देखना दिलचस्प होगा कि अगले वर्ल्ड कप में नंबर वन बैटर और नंबर वन बॉलर कौन होता है। क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले देते हैं हम, क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज, पर्सनल लाइफ और कॉन्ट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो इसलिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, और Facebook से जुड़ रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।